जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या आपसे ज्यादा है दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है। समय नहीं लगाना ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। जब आपको यह एहसास हो जाए यहां किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पर आया होना होता है। अपने आप को तैयार करो। हर किसी के बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। और मेरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों से भी लोगों को रोता देखाए। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती। गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी, अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लिया तो यूं ही इतना में प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो, कभी आंसू मत देना। उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है, लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहा करो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया अभी बहुत कुछ है। ईश्वर 113 ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिला। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर ना। ऑफिस लोग इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देगा तुम्हारे मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हम दर्द कम और सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत की चिंता है। कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई, ऊपर वाला हंसता है और इंसान के इस सांसे गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपकी सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है किधर है। कोई कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है।
दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रहे सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में विचार करके ही कार्य करनी चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि स्वयं से कृष्ण, ये महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव, ये सब मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते, हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को, हत्या जदो नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम इस युद्ध को भी में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वह गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसकी मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो यह मत कहो कि लोगों का काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले यहाँ कोई और था। आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और यह भागवत गीता के सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझना चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सा चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद इस दुनिया में रहेगी, वो चीजें इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता या फिर पैसा या नाम, वो सब हमसे एक ना एक दिन चैन जाएगा या दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है, जो कल किसी और का था आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करे और हर एक व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। श्री कृष्ण तीसरी बात कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, हमें एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो के अधीन हो जाता है।
इसलिए हमें कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा किए काम करना चाहिए, बिना इच्छा के कर्म करने का। एक फायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्ण चौथी बात बताते हैं, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, जो दोषी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा, उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। यार, लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण पांचवी बात कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ नर्क के तीन द्वार हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल का एक अच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह चलता रहता है। मनुष्य चाहे अपने कामनाओं की पूर्ति का कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वह कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढकेल देती। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। सांसारिक सुखों के इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही श्रेणी होता है जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है, इसलिए अगर कामरूप इस दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी। जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हो, वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर लोगों की कहानियों सुना करता था, जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन के वो अभी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा, उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा, तो इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। उस नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह खूबसूरत पत्थर था, उसने सोचा ये सजावट के काम आएगा, और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर एक मित्र आया। जब उसने वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है।
किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिलाए, वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंची और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन ले, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हित उसके खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्ती, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थे, लेकिन वो पैसा नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ये वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।